नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है BSEN 12811। क्या है? BSEN 12811। ये स्टैंडर्ड किसके लिए दिया हुआ है? टेम्पररी वर्क इक्विपमेंट। किसके लिए है? टेम्पररी वर्क इक्विपमेंट। इसके पहले जो भी हमने वीडियो बनाया है वो BSEN 12810 का जो पार्ट वन है और पार्ट टू के ऊपर बनाया है, और जो है BSEN 12811 का जो पार्ट वन है और पार्ट टू है उसके ऊपर बनाया है। और जो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं BSEN 12811 का जो है पार्ट थ्री, ये किसके लिए दिया हुआ है? लोड टेस्टिंग। किसके लिए दिया हुआ है? लोड टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। इसको हम लोग आज के टॉपिक में पूरा कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने BSEN 12811 का जो पार्ट वन है और पार्ट टू है उसको कवर किया है। और जो आज का टॉपिक है उसके अंदर में BSEN 12811 टेम्पररी वर्क इक्विपमेंट का जो पार्ट थ्री है उसको कवर करने वाले, वो किसके लिए है? लोड टेस्टिंग के लिए। जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड मटेरियल है या जो कंपोनेंट्स हम लोग जो यूज करते हैं उसका टेस्टिंग किस हिसाब से होना चाहिए, या जो वो टेस्टिंग है उसको कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है, इसके बारे में जो पूरा डिटेल है ये टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो BSEN 12811 का जो पार्ट थ्री है ये जो है लोड टेस्टिंग के लिए है, और इसके अंदर में टोटल कितने पॉइंट दिए गए हैं? टोटल 10 पॉइंट दिए गए। कितने पॉइंट टोटल दिए गए हैं? टोटल 10 पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम लोग देखने वाले। और क्या डिटेल दिया हुआ है? इसका जो एनेक्स है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है BSEN 12811 का जो पार्ट थ्री है लोड टेस्टिंग के लिए, इसका जो एनेक्स है वो क्या है, ए और बी है, उसको भी हम लोग ये आज का जो टॉपिक है इसके अंदर कवर करने वाले। तो एंड तक देखना, क्योंकि हर एक आदमी को जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड काम करता है या जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड मटेरियल यूज करता है उसको जो है वो जो लोड टेस्टिंग है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जो 10 पॉइंट दिए गए हैं क्या क्या है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है? स्कोप। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है BSEN 12811 का जो पार्ट थ्री है उसका जो है स्कोप क्या है, या इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया गया है, या इसके अंदर में क्या क्या बातें बताई गई है, ये हम लोग को ये जो स्कोप है इसी से ही पता चलता है। कोई भी स्टैंडर्ड हो उसके अंदर में सबसे पहला जो पॉइंट रहता है स्कोप, मतलब ये जो स्टैंडर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है ये बात का ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसका स्कोप क्या है। दिस यूरोपियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रूल फॉर लोड टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट इन द फील्ड ऑफ नॉन मैकेनिकल टेम्पररी वर्क आइटम। क्या है ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है इसके अंदर में जो स्पेसिफिक रूल दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है? लोड टेस्टिंग के लिए। किसके लिए? लोड टेस्टिंग के लिए, या जो लोड का जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो लोड टेस्टिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए है। उसके बाद जो इवेल्यूशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, मतलब ये जो टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसको मूल्यांकन कैसे करना है उसके बारे में दिया गया। इन द फील्ड ऑफ नॉन मैकेनिकल टेम्पररी वर्क आइटम, मतलब ये जो है ऐसे फील्ड में जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें नॉन मैकेनिकल जो टेम्पररी वर्क आइटम है उसी के लिए जो ये स्टैंडर्ड है वो लागू होगा, या इसी के बारे में ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर में डिटेल दिया गया है। ये था हमारा BSEN 12811 का जो पार्ट थ्री है लोड टेस्टिंग, इसका पहला पॉइंट क्या था? स्कोप, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है या जो BSEN 12811 का जो पार्ट थ्री है जो लोड टेस्टिंग के लिए, इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिया गया है, किसके अंदर में मिल जाएगा जो नॉर्मेटिव रेफरेंस, ये जो पॉइंट है दो नंबर पॉइंट उसके अंदर में पूरा डिटेल हम लोग को मिल जाएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट, ये किसके लिए?
टर्म्स एंड डेफिनेशंस, मतलब अलग अलग जो स्कैफोल्ड में हम लोग टर्म्स यूज करते हैं या जो अलग अलग स्कैफोल्डिंग रिलेटेड कंपोनेंट्स है या जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड टर्म्स है उसका जो डेफिनेशन है या उसका व्याख्या क्या है या जो हम लोग एक्सप्लेन किस हिसाब से करते हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया है। मतलब डेफिनेशन मतलब एक बेसिक, अगर हम लोग कोई भी कंपोनेंट लेते हैं तो कंपोनेंट का डेफिनेशन क्या है या जो अलग अलग स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो लोड टेस्टिंग रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है वो इसके अंदर में कवर किया गया है पॉइंट नंबर 3 के अंदर में। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कितना नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट, BSEN 12811 का जो पार्ट 3 है लोड टेस्टिंग के लिए उसके अंदर का 4 नंबर पॉइंट, क्योंकि टोटल हम लोग कितने देखने वाले, 10 पॉइंट देखने वाले हैं। तो ये जो 4 नंबर पॉइंट किसके लिए दिया गया है, टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर। ये जो टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर रहता है क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग को इसके अंदर में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं क्या डिटेल दिया हुआ है। यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन शैल बी बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ टेम्पररी वर्क, मतलब ये जो यूरोपियन स्टैंडर्ड जो दिया गया हुआ है स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए वो क्या है, शैल बी बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द टेम्पररी वर्क, मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो डिजाइन है टेम्पररी वर्क के लिए इसी के रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, ये बात का ध्यान रखना है या इसी के बेसिस पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, However, when suitable calculation model does not exist in a such a standard, then testing shall be undertaken in the place of the calculation. मतलब अगर इसके लिए suitable calculation model अगर available नहीं रहता है या exist नहीं करता है तो ऐसे time में जो standard का जो testing है वो shall be undertaken place by the calculation. तो वो जो है उसकी जगह कौन लेता है, प्लेस बाय कैलकुलेशन, मतलब उसकी जगह हम लोग को कैलकुलेशन से जो है पूरा डिटेल निकालना पड़ता है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर है हमारा 4 नंबर पॉइंट उसके अंदर और भी डिटेल दिया हुआ है, टाइप ऑफ द टेस्ट, मतलब कौन कौन से टाइप का जो टेस्ट है उसके बारे में जो है पूरा डिटेल इसके अंदर में मिलता है। इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि टाइप ऑफ द टेस्ट आइटम, मतलब कौन सा टाइप का हम लोग टेस्ट आइटम हम लोग यूज करने वाले या यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है टेस्टिंग, मतलब कौन सा टाइप का उसके ऊपर टेस्टिंग होना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। और जो है एग्जांपल दिए हुए हैं टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर के अंदर में। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि टाइप ऑफ द टेस्ट कौन कौन सा है टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर के लिए। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है यस, मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, क्या है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ टेस्ट है वो क्या है, ए किसके लिए दिया गया है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पहला जो था यस था वो किसके लिए था, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। वो जो है सेकंड है, और जो है सेकंड है या जो दो नंबर है वो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर जो हमारा टेस्ट है वो है सी, मतलब कंपोनेंट के लिए। क्या है ये जो थर्ड नंबर टेस्ट है वो किसके लिए है, कंपोनेंट के लिए, किस हिसाब से होना चाहिए या जो कंपोनेंट का टेस्टिंग किस हिसाब से करना है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो किसके लिए है, एलिमेंट, मतलब जो है अलग अलग जो तत्व इसके अंदर में जो दिए गए हैं उसके लिए 4 नंबर ये टेस्ट है। तो यही 4 जो टेस्ट है वो इसके अंदर में टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर के अंदर में दिया गया है। और इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एग्जाम्पल के साथ, मतलब कौन सा मटेरियल में हम लोग को कौन सा टेस्ट इसमें से एप्लीकेबल रहेगा या कौन सा टेस्ट हम लोग को करना है, क्योंकि ये जो चारों टेस्ट है हर एक कंपोनेंट में या हर एक मटेरियल में जरूरी नहीं रहेगा, ये बात का ध्यान रखना है। तो सिर्फ जो टेस्ट जो जरूरत है या जो मेटल के लिए है या जो टिम्बर के लिए है या अलग अलग जो मटेरियल हम लोग यूज करने वाले उसके लिए रहेगा, तो इसमें से जो एप्लीकेबल टेस्ट रहेगा उसके बारे में डिटेल इसके अंदर में दिया गया है। ये था हमारा 4 नंबर पॉइंट, टिपिकल टेस्ट प्रोसीजर, और इसको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी मटेरियल जो हम लोग स्कैफोल्डिंग रिलेटेड यूज करते हैं उसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट आता है इसी के बेसिस पे बनाया जाता है। और ये जो मैंने टेस्ट बताया सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या जो कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट या जो एलिमेंट का, इसी के अकॉर्डिंग उसको रेडी किया जाता है, ये बात का
ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पांच नंबर पॉइंट, वो किसके लिए है? जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड टेस्टिंग, मतलब जो स्कैफोल्डिंग मटेरियल है उसका जो है लोड टेस्टिंग के लिए जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है उसको जो है पांच नंबर पॉइंट के अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है छह नंबर पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट है? छह नंबर पॉइंट। ये किसके लिए? टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, किसके लिए है? टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल, क्योंकि ये जो पांच नंबर पॉइंट है इसमें जो जनरल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लेकिन ये जो छह नंबर पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया अच्छे से, ताकि हम लोग को सही से समझ आ सके। तो इसके अंदर में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीन है, कितने हैं? तीन। तो सबसे पहला है जनरल, तो जो जनरल हम लोगों ने यहाँ पे पांच नंबर में कवर नहीं किया वही छह नंबर में जनरल में बहुत ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। दूसरा है सैंपलिंग किस हिसाब से होना चाहिए, मतलब जो भी टेस्ट हम लोग करने के लिए जो सैंपल लेते हैं वो किस हिसाब से होना चाहिए, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है टेस्ट का जो मेथड है वो किस हिसाब से होना चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल है किसके अंदर में मिलता है? टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर में। तो ये जो तीन पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये जनरल, मतलब जो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल किस हिसाब से होना चाहिए इसके लिए जनरल जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बाद जो है सैंपलिंग किस हिसाब से होना चाहिए, और इसका जो है टेस्ट ऑफ द मेथड किस हिसाब से होना चाहिए वो दिया गया। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है वो जनरल, ठीक है। तो ये जनरल के अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है? मटेरियल टेस्ट शैल बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्चुअल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टेस्टेड कंपोनेंट और एलिमेंट। तो इसके अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है? जो भी हम लोग मटेरियल टेस्ट करने वाले हैं या जिसका भी हम लोग मटेरियल टेस्ट करेंगे स्कैफोल्डिंग रिलेटेड मटेरियल का, उसको क्या है? कैरिड आउट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्चुअल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसको सही से ऑर्डर में हम लोग को या सही से तरीके से हम लोग को इसको जो है ध्यान में रखते हुए टेस्ट करना है, और जो एक्चुअल जो सही में जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है किसका, जो टेस्टेड किया हुआ कंपोनेंट है या जो एलिमेंट है, या उसको सही से हम लोग को जो है ध्यान में रखते हुए ही ये टेस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का जो जनरल पॉइंट है उसके अंदर में टेस्ट ऑन मटेरियल मे बी नीडेड, मतलब हम लोग जब भी हम लोग टेस्ट ऑफ मटेरियल करते हैं या जो मटेरियल का टेस्ट करते हैं तो वो टाइम में हम लोग को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बातें जरूरी है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग को टेस्ट करते समय किन बातों की जरूरत है या किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहला पॉइंट है टू चेक द वेदर द मटेरियल कॉम्प्लाई विद द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भी हम लोग मटेरियल टेस्ट करने वाले हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए या उसी के हिसाब से वो बना हुआ होना चाहिए। सेकेंड क्या दिया हुआ है इसके अंदर में? टू डिटरमाइन पैरामीटर फॉर इवेल्यूशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, तो मतलब जो भी हम लोग टेस्ट रिजल्ट हम लोग निकालेंगे तो वो टाइम में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं या कुछ उसका लिमिट दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग को ये जो है डिटेल निकालना है। तो इसके अंदर में जो पैरामीटर दिया हुआ है वो बेसिकली हम लोग जो दो टाइप का स्कैफोल्डिंग में जो मटेरियल यूज करते हैं, एक तो मेटेलिक और दूसरा है टिम्बर बेस मटेरियल। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है मेटेलिक मटेरियल पैरामीटर, मतलब जो भी मेटेलिक मटेरियल या जो मेटल का मटेरियल हम लोग जो यूज करते हैं या जो हम लोग टेस्टिंग करना है हम लोग को, तो उसके लिए क्या पैरामीटर दिया गया है या उसके अंदर में हम लोग को क्या क्या लिमिट है, क्या क्या चेक करना है या क्या क्या टेस्टिंग होना चाहिए। तो सबसे पहला है एल स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस, तो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है एल स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस, ये मेटेलिक जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर में ये टेस्ट होना ही चाहिए। उसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मटेरियल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको भी इसके अंदर में टेस्टिंग किया होना चाहिए या किया जाता ही है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट पैरामीटर दिया गया है वो क्या है? एलोंगेशन के लिए, मतलब जैसे कि जो भी एक्शन है और जो उसका प्रोसेस है उससे रिलेटेड अगर जो भी टेस्टिंग है वो इसके अंदर में मेटेलिक जो टेस्टिंग है इसके अंदर में कवर करना है या यही इसके पैरामीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दो नंबर पॉइंट जो हमने बोला था टिम्बर बेस मटेरियल,
के लिए जो पैरामीटर है वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसके अंदर में क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, मतलब जो हमारा जो टिम्बर बेस्ड मटेरियल है या उसका जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो हम लोग को इसके अंदर में टेस्टिंग करना है। उसके बाद है इसका जो डेंसिटी, मतलब इसका जो घनत्व है या जो घनता है उसको हम लोग को चेक करना है या जो इसका टेस्टिंग करना ही है, ये पैरामीटर के अंदर में दिया गया। नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मॉइस्चर कंटेंट, तो इसको आपको ध्यान रखना है किसके अंदर में, जो हमारा टिम्बर बेस मटेरियल रहता है उसके टेस्टिंग का जो पैरामीटर है इसके अंदर में ध्यान रखना है। ये तीन ही पॉइंट दिए गए, एक तो है इसका बेंडिंग स्ट्रेंथ, सेकेंड है जो डेंसिटी, और जो थर्ड है मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर में कितने हैं उसको हम लोग को टेस्ट करना है, या यही पैरामीटर है किसके लिए, जो हमारा वुडन बेस मटेरियल है उसको टेस्टिंग करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सिक्स नंबर पॉइंट, किसके लिए था, टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल। इसके अंदर में जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया और जो टेस्टिंग पैरामीटर है उसके बारे में डिटेल दिया गया। तो यही डिटेल किसके अंदर में दिया गया है, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर में जो जनरल पॉइंट है एक नंबर पॉइंट उसके अंदर में दिया गया। तो ये जनरल में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है या जो इसके पैरामीटर है ये दिए गए। उसके बाद जो दो नंबर पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर में, या जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसके लिए, सैंपलिंग। तो कोई भी जो हम लोग मटेरियल टेस्ट करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग रिलेटेड, तो उसका जो है सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितना सैंपल लेना है ये मालूम होना चाहिए ना, नहीं तो एक सैंपल ले लिया जो अच्छा दिख रहा है वो मटेरियल के अंदर से और उसको टेस्टिंग कर लिया, ऐसे तो नहीं पॉसिबल होगा। उसमें क्या है, जो सैंपलिंग है या जो सैंपलिंग का जो मेथड है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसके अंदर में जो दो टाइप के जो नॉर्मली जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, एक तो मेटेलिक मटेरियल और दूसरा टिम्बर बेस मटेरियल। तो जो मेटेलिक मटेरियल है उसका जो सैंपलिंग है वो क्या है, 3 ऑफ द ईच मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तो उसमें से जो 3 पीस है मिनिमम उसको हम लोग को अलग अलग टेस्ट करना है। तो मतलब जैसे कि मेटल है, जैसे कि हमारा एक स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है तो हम लोग को स्कैफोल्डिंग ट्यूब का टेस्टिंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही ट्यूब का नहीं टेस्टिंग करेंगे, तो अलग अलग जो लॉट्स रखे हैं उसमें से जो मिनिमम जो 3 ट्यूब्स है, या जो कपलर का अगर हम लेते हैं तो कपलर के लिए भी अगर 3 अलग अलग जो लोकेशन में जो कपलर रखा है तो मिनिमम 3 सैंपल लेंगे और उसका जो है टेस्टिंग किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है टिम्बर बेस मटेरियल के लिए वो कितने है सैंपल लेना है, हम लोग को 5 सैंपल लेना है मिनिमम, जो 5 सैंपल लेना है ईच ग्रेड का, मतलब जो भी अलग अलग ग्रेड का मटेरियल रहेगा उसके अलग अलग 5-5 सैंपल लेने हैं। तो जो भी ग्रेड का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें से 5 सैंपल मिनिमम हम लोग को टेस्ट करना है, या उसका जो है टेस्टिंग रिपोर्ट होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। किसके अंदर में, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का जो सेकेंड नंबर पॉइंट है उसके अंदर में क्या था पॉइंट हमारा, सैंपलिंग। तो जो मेटल मटेरियल है उसके लिए 3 लेना है मिनिमम जो है सैंपल, वो हम लोग को हर एक जो मटेरियल रहेगा उसका 3 सैंपल चाहिए, और जो टिम्बर बेस्ड मटेरियल है उसके 5 सैंपल चाहिए हर एक, जो अलग अलग जो ग्रेड का हम लोग टिम्बर यूज करने वाला है तो हर एक का 5-5 सैंपल लगेगा, या 5-5 सैंपल ही हम लोग को टेस्टिंग करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट, किसके अंदर में, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के अंदर में क्या है, टेस्टिंग मेथड, क्या दिया हुआ है, टेस्टिंग मेथड। तो ये जो टेस्टिंग मेथड है इसमें भी 2 टाइप का ही मटेरियल आएगा, एक तो मेटेलिक मटेरियल और सेकेंड आएगा टिम्बर बेस मटेरियल। तो जो मेटेलिक मटेरियल है उसके लिए क्या टेस्टिंग दिया हुआ है, दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेंसाइल टेस्ट अकॉर्डिंग टू EN 1002 Part 1, मतलब जो ये जो मेटेलिक मटेरियल है उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टेंसाइल जो टेस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, EN 1002 का जो पार्ट 1 है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो 2 नंबर है इसके अंदर में वुड बेस्ड मटेरियल, तो वुड बेस्ड मटेरियल मतलब या जो वुडन बेस्ड मटेरियल है इसके अंदर में जो है दी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शाल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग विथ EN 408 और EN 789, मतलब क्या है, ये जो वुडन बेस्ड जो मटेरियल है हमारा उसका जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है शाल बी कैरिड अकॉर्डिंग विथ EN 408 और 789, मतलब इसको जो है हम लोग को जो अकॉर्डिंग टू
408 के हिसाब से या EN789 के हिसाब से हम लोग को जो है टेस्ट मेथड दिया हुआ है या टेस्टिंग का ये जो मेथड है इसको फॉलो करना है। ये था हमारा 6 नंबर पूरा जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का। इसके अंदर में सबसे पहले हम लोगों ने जनरल देखा, दूसरा पॉइंट देखा सैम्पलिंग, और थर्ड जो देखा वो क्या है टेस्टिंग मेथड। तो पहले जो है टेस्टिंग मेथड, इसके अंदर में जो मेटेलिक का है वो EN1002 का जो पार्ट वन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो वुड बेस्ड मटेरियल है उसका EN408 या जो है EN789 के हिसाब से होना चाहिए। तो ये था हमारा 6 नंबर पॉइंट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो किसके लिए है, टेस्टिंग ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड कंपोनेंट, मतलब जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो अलग अलग कॉन्फिग्रेशन है या जो कंपोनेंट्स है उसके लिए। तो इसके अंदर में एक तो जनरल पॉइंट दिया गया और जो बाकी जो पॉइंट दिए गए अलग अलग टाइप का जो टेस्ट है उसके बारे में डिटेल दिया गया। तो इसके अंदर में सबसे पहले देखते हैं कि जनरल पॉइंट क्या दिया गया है। कनेक्शन यूजिंग वेजेस और बोल्ट शैल बी असेंबल एंड डिसमेंटल 3 times ऑफ बिफोर असेंबली ऑफ एनी टेस्ट, मतलब कोई भी हम लोग टेस्ट करने के लिए जो भी कनेक्शन का हम लोग टेस्ट करने वाले तो उसको अगर हम लोग करते हैं वो टाइम में उसको जो है सही से जो है असेंबल और जो डिसमेंटली मिनिमम 3 times करने के बाद ही उसको टेस्टिंग करना है, क्योंकि इंश्योर हो जाता है कि ये जो सैंपल हम लिए है या जो जिसका हम लोग टेस्टिंग करने वाले वो सही है कि नहीं है। नहीं तो क्या है वो सही से सैंपल ही नहीं है हमारे पास, 1 time ऐसे असेंबल किया हुआ है और उसको हम लोग अगर टेस्टिंग करते हैं वो टाइम में ब्रेक हो जाएगा या कुछ भी उसके अंदर में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए उसको क्या करते हैं हम 3 times हम लोग को जो उसको है असेंबल डिसमेंटल करना है और उसके बाद जो है असेंबल जो हम लोग करेंगे उसका जो है टेस्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है इसी के अंदर में क्या है, टेस्ट ऑफ डिटरमाइन लोड बेयरिंग कैपेसिटी स्टिफनेस एंड लूजनेस टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट है इसको करते समय हम लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि इसका जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी स्टिफनेस का एंड लूजनेस ऑफ दी जो टेस्ट है उसको जो है सही से क्लियर है कि नहीं है, या इसको इंश्योर करने के बाद ही टेस्ट करना है। उसके बाद जो थर्ड दिया हुआ है रिपीटेड लोडिंग, जो मतलब रिपीटेड जो लोडिंग रहता है उसके लिए दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो टेस्ट है वाइब्रेशन टेस्ट, क्या है वाइब्रेशन टेस्ट, इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद जो 5 नंबर पॉइंट है इम्पैक्ट टेस्ट। तो यही जो टेस्ट है इसके अंदर में जो है एक्सप्लेन किया गया है, कितने नंबर पॉइंट में, 7 नंबर पॉइंट टेस्टिंग ऑफ कॉन्फिग्रेशन एंड कंपोनेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ सिस्टम कॉन्फिग्रेशन, मतलब यहाँ पे हमने 7 नंबर में देखा था क्या है कॉन्फिग्रेशन एंड कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या है सिस्टम कॉन्फिग्रेशन, मतलब क्या है जो सिस्टम स्कैफोल्ड बना हुआ है उसके लिए जो है टेस्टिंग किस हिसाब से होना चाहिए इसके अंदर में डिटेल दिया हुआ है। कितना नंबर पॉइंट के अंदर में, 8 नंबर पॉइंट के अंदर में, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, अभी हम लोग को 10वां देखना बाकी है, तो अभी हम लोग पहुंचे 9 नंबर पॉइंट के ऊपर में। तो 9 नंबर पॉइंट किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जो टेस्ट देखा या अलग अलग टेस्ट मेथड देखा या अलग अलग सैम्पलिंग मेथड देखा या इसका जो टेस्ट प्रोसीजर क्या है या टेस्ट कौन कौन सा करना है ये सारा चीज देखा, तो यहाँ पे जो है मेन जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो टेस्ट मटेरियल का वो किस हिसाब से होना चाहिए या किस फॉर्मेट में होना चाहिए या कौन सा फॉर्मेट इसके लिए रहता है या क्या क्या डिटेल इसके अंदर में आता है, ये यहाँ पे हम लोग को ये जो 8 नंबर पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल इसके अंदर में दिया गया है। तो देखते हैं तो इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट दिए गए, मेन तो 3 पॉइंट है उसको हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला है जनरल, तो इसके अंदर में क्या क्या डिटेल रहता है, जैसे कि जो भी हमारा मटेरियल जो टेस्टिंग होगा उसका एक तो ड्राइंग को दिया होगा या उसका जो है पिक्चर या जो फोटोग्राफ दिया होगा या उसका जो प्लॉट और जो टेबल्स हैं उसके बारे में डिटेल हम लोग को दिया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में 2 नंबर पॉइंट किसके लिए, कंटेंट ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट, मतलब ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट चाहिए इसके बारे में इसके अंदर में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल के अंदर में 3 नंबर पॉइंट किसके लिए है, डिटेल ऑफ इंस्ट्रक्शन टू दी कंटेंट, मतलब ये जो कंटेंट हम लोग क्या क्या इसके अंदर में
रखना है या क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट मटेरियल का जो रिपोर्ट है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर पॉइंट के अंदर में। तो इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, इसमें क्या है, तो इसके अंदर में सबसे पहला क्या आएगा, टाइटल पेज, मतलब पूरा जो है डिटेल में कौन सा मटेरियल है उसका जो है टाइटल पेज इसको आता है या इसके अंदर में आना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, या जो कंटेंट है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, टाइटल पेज आना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइटल पेज तो हो गया सबसे पहले, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कंपोनेंट लिस्ट, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट का हमने टेस्टिंग किया है वो इसके अंदर में आता है या ये जो डिटेल है इसके अंदर में आना चाहिए लिस्ट वाइज। उसके बाद है प्रिलिमरी जो रिमार्क रहता है उसको आना चाहिए। उसके बाद है द टेस्टेड आइटम, ये जो टेस्टेड आइटम है उसका जो है डिटेल आना चाहिए। उसके बाद है टेस्ट प्रोग्राम किस हिसाब से हम लोगों ने किया या टेस्टिंग का किस हिसाब से हुआ तो उसके बारे में डिटेल आना चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर, मतलब टेस्ट अरेंजमेंट किस हिसाब से था और वो प्रोसीजर क्या था इसके बारे में आना चाहिए। उसके बाद जो है रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट आया, इट्स ओके नॉट ओके, या इसका कितना लोड ले सकते हैं या सच में यूज करने के लिए सही है या नहीं है, ये जो है रिजल्ट के अंदर में आएगा। उसके बाद जो है समरी, मतलब अलग अलग जो मटेरियल का है उसका जो है समरी या जो रिपोर्ट के अंदर में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब ये जो हमने टेस्ट किया तो उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया, तो यहाँ पे जो मेथड के लिए जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना यही सारा मेथड का जो है यूज करके इसको बनाया जाता है या स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है। उसके बाद क्या है लिस्ट ऑफ द अप्रेंटिसेस, तो जो अलग अलग लिस्ट है या इसके साथ और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा ड्राइंग या फोटोग्राफ या जो टेबल्स है या जो कंटेंट जो है टेस्ट रिपोर्ट का, तो जो भी है अलग अलग जो इसका जो अप्रेंटिस है वो इसके साथ अटैच किया होना चाहिए। तो यही रहता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल के अंदर में, और ये जो है आपको सही से देखना है और इसी के अकॉर्डिंग इसका जो है सिक्वेंस होना चाहिए। तो कोई भी आप अगर टेस्ट रिपोर्ट उठाएंगे तो ये जो सीक्वेंस है इसी के हिसाब से है तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो जो रिपोर्ट है वैलिड नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू मिया CN 12811 का जो पार्ट 3 है लोड टेस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रहेगा, ये बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग को जो है कंपनी जो भी थर्ड पार्टी जो इसका जो लोड टेस्टिंग करवाती है मटेरियल का वो जो है अकॉर्डिंग टू ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसको जो है फॉलो करके वो टेस्टिंग करती है और उसका जो रिपोर्ट है वो बनाती है। तो ये था हमारा 9 नंबर पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल के लिए। उसके बाद जो है 10 नंबर पॉइंट किसके लिए, ये इवैल्यूएशन ऑफ द लोड बेरिंग कैपेसिटी स्टिफनेस फ्रॉम टेस्टिंग मेटेलिक कॉन्फिग्रेशन एंड कंपोनेंट। तो ये जो हमारा 10 नंबर पॉइंट है इसके अंदर में ये जो मूल्यांकन हम लोग को किस हिसाब से करना है या इवैल्यूएट किस हिसाब से करना है, तो सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ लोड बेरिंग कैपेसिटी, तो लोड बेरिंग कैपेसिटी को हम लोग को मूल्यांकन किस हिसाब से करना है तो उसके बारे में डिटेल दिया गया। उसके बाद जो स्टिफनेस फ्रॉम टेस्टिंग मटेरियल के लिए जो है उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में डिटेल है, और कॉन्फिग्रेशन एंड कंपोनेंट, जो अलग अलग जो हमारा स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो कॉन्फिग्रेशन है और जो कंपोनेंट है उसको इवैल्यूएट कैसे करना है या उसका मूल्यांकन किस हिसाब से किया जाता है, ये जो है 10 नंबर हमारा जो पॉइंट है BSEN 12811 का जो पार्ट 3 है लोड टेस्टिंग, उसका जो 10 नंबर पॉइंट है उसके अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है एनेक्स, एनेक्स के अंदर में एनेक्स ए दिया हुआ है और एनेक्स बी दिया हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक BSEN 12811 किसके लिए, ये टेम्पररी वर्क इक्विपमेंट, इसके अंदर में आज जो हम लोगों ने टॉपिक देखा वो था पार्ट 3 किसके लिए था, लोड टेस्टिंग के लिए। तो इसके अंदर में टोटल कितने पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे। तो ये जो 10 पॉइंट है और जो इसका एनेक्स है इसके अंदर में लोड टेस्टिंग रिलेटेड जो पूरा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको इसको सही से समझ के लेना है क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड हम जॉब करते हैं तो उसका जो लोड टेस्टिंग है किस हिसाब से होना चाहिए ये हर एक आदमी को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि लोड टेस्टिंग किस हिसाब से हुआ है अगर मालूम ही नहीं है कल कोई इंटरव्यू में ये पूछ लेगा कि
किस हिसाब से लोड टेस्टिंग होता है, कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या क्या डिटेल दिया हुआ, एक सादा अगर बेसिक सवाल कर लेगा तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए, एज ए इंस्पेक्टर या एज ए सुपरवाइजर हम जॉब कर रहे हैं तो हम लोग को ये जो लोड टेस्टिंग है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद दोस्तों।